नमस्कार। विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये प्रवचन केंद्र है और किसी महान आदमी ने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं वैसे भी महान नहीं हूँ, किसी महान आदमी ने कहा है कि आई बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड एंड चिकन सूप, अर्थात मुझे भगवान और चिकन सूप की पावर पे पूरा भरोसा है। चिकन सूप जो है वो चीज़ ही ऐसी है, पावरफुल, भगवान की तरह हील कर देती है, मतलब आपको ठीक कर देती है कि नहीं। तो मौसम ऐसा है, बाहर बारिश वारिश हो रही है, यहाँ पर ठंड पड़ी हुई है, चिकन सूप का अगर एक बढ़िया सा बोल मिल जाए ना तो लाइफ बन जाती है। तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और आपकी लाइफ बनाने के लिए चिकन सूप की एक नहीं दो रेसिपीज बता रहा हूँ, एक चाइनीज स्टाइल एक इंडियन स्टाइल, ठीक है जी। लेकिन वो म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, हर अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है मक्खन से। उस महान आदमी का तो पता नहीं, बस ये नामुराद ये जरूर कहता है कि आई बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड एंड बटर। अब देखिए क्या है, ये जो भगवान भला करे, ये चिकन की बोन्स है हमारे पास, ठीक है। चिकन की बोन्स का मैं पहले बनाऊंगा चिकन स्टॉक, और उसी चिकन स्टॉक को मैं यूज़ करूंगा दो किस्म के चिकन सूप में। एक इंडियन टाइप का चिकन शोरबा बनाएंगे और एक चाइनीज टाइप का एकदम बढ़िया सा वो चिकन एंड वेजिटेबल सूप बनाएंगे विद एग ड्रॉप। हाँ, मतलब एकदम रेस्टोरेंट फेल हो जाएगा साहब। आप जाके रेस्टोरेंट वाले को बोलेंगे कहाँ है तुम्हारा किचन, हम बना के दिखाते हैं, पता नहीं कैसे सूप बनाते हो, वैसे वाले हो जाएंगे आप। घर पे ट्राई मत कीजिएगा ये। हाँ, और पता लगा फोन आ जाए, रणवीर को हाथ कट गया बच्चे का। ये क्या जी, अनियन, ये गई जिंजर, ये गया तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च। चिकन बोन्स को धोने के बाद इसी बटर के साथ चिकन को भी मोहब्बत करवा देते हैं। अब ये बोन्स क्या है, चिकन बोन्स जो हैं, आप बुचर के पास जाइए, बोलिए भैया चिकन का कारकस दे दीजिए, इसमें मांस जो है वो लगा होना चाहिए, क्योंकि यही मांस हम यूज़ करेंगे सूप में। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चिकन नहीं डालूंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके बुचर ने सिर्फ हड्डी हड्डी दी है, उसमें मांस नहीं है, तो फिर थोड़ा सा अलग से एक आधी चिकन लेग वगैरह डाल दीजिए, ताकि मांस नोचने के लिए मिल जाए। वो मांस नोच के और जब सूप में डाला जाएगा, असली मज़ा वही है, ठीक है जी। धनिया की डंडी भी डाल दी जाए, अगर सैलरी मिलती है तो सैलरी डाल दीजिए, नहीं तो धनिया की डंडी डाल दीजिए। उसके बाद गाजर भी थोड़ी डाल ही देते हैं। जब बटर में ऐसे रोल रोल हो जाए ना चिकन, तो उसके बाद उसके अंदर डालिए और बटर, नहीं नहीं पानी डाल। अभी इसके अंदर मैं कोई नमक वमक कुछ नहीं डाल रहा हूँ, देखिए मात्र पानी। मशरूम की डंडियाँ हैं तो मशरूम की डंडियाँ डाल दीजिए अगर आप मशरूम खाते हैं तो। मेन चीज़ क्या है, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता सबके पास होता है, वो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद बटर ज़रूर डालिएगा, प्याज सबके पास होता है, प्याज, गाजर ज़रूर डालिएगा, धनिया की डंडी ज़रूर डालिएगा, बाकी आपकी श्रद्धा है, आपको जो उसको फ्लेवर देना है दे दीजिए। और इसको लगा दीजिए ऊपर से ढक्कन, ढक्कन से थोड़ी देर लगाएंगे, अब तक इसको उबाल नहीं आता, जब उबाल आ जाएगा तो फिर इसको खुला पकाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर खुला पकाएंगे तो एक क्लियर होगा, अगर इसको ऊपर से ढक के पकाएंगे तो एक क्लाउडी हो जाएगा, और क्लाउडी जो है वो किसी काम का नहीं, अपने को चाहिए क्लियर। क्लियर है एकदम फंडा, बस फंडा क्लियर है तो सूप भी क्लियर होगा। सूप में जैसे ही बॉयल आया मैंने ढक्कन हटा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि झाग बने, जितनी झाग बन के ऊपर आएगी उतना मेरा स्टॉक जो है वो क्लियर होगा, सूप नहीं स्टॉक। तो उसकी झाग हमको ऊपर लाने देनी है और उसके लिए उसे खुला छोड़ना है, और झाग जैसे जैसे आती जाएगी उसको साइड से निकाल निकाल के धीरे 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 साफ करते रहना है, बस कुल मिला के मामला यही है। और ये प्रोसेस जो है आधे घंटे तक जारी रहना चाहिए, उसके बाद जो स्टॉक बनेगा अगर आपने अच्छे से साफ किया हुआ है उसको आप फ्रिज में रखेंगे, और फ्रिज में रखने के बाद उसको कम से कम नहीं तो एक हफ्ते कुछ नहीं होगा, वो मेरी गारंटी है। जब मन करे तड़का मारिए, सूप बनाइए, ठीक है। दूसरी तरफ अपनी सब्जी काट लेते हैं, गाजर डाल देंगे, कॉर्न डाल देंगे, हरा प्याज डाल देंगे, और भगवान भला करे कोई अगर आपके पास बीन्स वीन्स है तो वो भी डाल दीजिएगा। गाजर खाने की मेरी आदत है, सॉरी, मैं नहीं चाहता मुझे चश्मा लगे, इसलिए नहीं गाजर खाता रहता हूँ। थोड़ी बीन्स दिख गई तो मैंने काट लेता हूँ।
रंग और नूर का ये सूप तुझे पेश करूं, बारिश हो या हो बड़ी धूप तुझे पेश करूं। क्या खुशबू है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी अच्छी होगी भी नहीं। सूप जो है वो मतलब स्टॉक जो है वो मच्योर होगा 15 मिनट, धीरे 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 15-20 मिनट सारे फ्लेवर्स मिलेंगे जुलेंगे, तब जो है असल फ्लेवर उसका आएगा। उससे पहले अगर कुछ कच्चा प्याज आ रहा है, ये आ रहा है, काली मिर्च तेज़ आ रही है, ये सब खुशबू आपको आ रही है, टेंशन ना लें। आधा घंटा दें टोटल, 15 मिनट रह गए अभी, ठीक है, तब तक कटिंग वटिंग कर लें। सब बता दिया मैंने, वरना आप जो है एकदम से घबरा जाते स्टॉक डाल के, बोलते क्या बन रहा है, और फिर आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर जो है कुछ नहीं छोड़ता, सब बता देता है। इसको करना है बारीक बारीक स्लाइस। ब्यूटिफुल। आइए अब आके देखिए जरा स्टॉक धीरे धीरे, देखिए साफ हो रहा है ना। ये लो जी मेरी फेवरेट लेडल भी आ गई, अब तो फटाफट से सफाई हो जाएगी। मतलब सफाई जारी रहनी चाहिए भाई और बहनों, हैं। दूसरा क्या है ना, इसको और साफ करने के लिए सिरका या लेमन जूस लेना है और थोड़ा डालना है। इसमें जो क्लाउडीनेस है वो प्रोटीन्स की वजह से, मीट में प्रोटीन होता है ना, वो प्रोटीन खट्टे के साथ कोएगुलेट हो जाता है, नहीं जुड़ जाता है। जब वो प्रोटीन जुड़ के ऊपर आ जाएगा तो स्टॉक अपने आप साफ हो जाएगा। बेसिक साइंस है और कुछ नहीं। ये जैसे ही डाला वैसे साफ होना शुरू हो गया ना, देखिए क्लाउडीनेस कम होनी शुरू हो गई, गंदगी ऊपर आनी शुरू हो गई। विनेगर है तो विनेगर डाल दीजिए, लेमन जूस है तो लेमन जूस डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं, मतलब खटास नहीं देनी, सिर्फ प्रोटीन का रिएक्शन चाहिए खट्टे के साथ। इट्स मच क्लियरर, पहले से कितना क्लियर है देखिए। अब लिया जाए इसको छान। भाई आप चाहें तो मलमल भी यूज कर सकते हैं इसको छानने के लिए। हाँ, मलमल उर्फ मसलिन क्लॉथ। ये जो है हड्डियां हैं जिनमें मांस लगा हुआ है, ठीक है जी। तो मीट को हम नोच लेंगे, पुल कर लेंगे फो, और फिर हम पुल्ड मीट को यूज करेंगे अपने सूप के अंदर, ठीक है। उससे पहले इसको करना है ठंडा, ठीक है। और पुल कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो आपका, जल्दी जल्दी दिखा के हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये लेना है मीट, ऐसे नोचना है इसको, देखिए ये ऐसे हड्डी से खींचते रहना है मीट को, ये देखिए, ठीक। ऐसे आपके पास मीट आ जाएगा, ठीक है। नोचना ही बोलते ना इसको, तो गलत थोड़ा ना बोल रहा था मैं। अंग्रेजी वाले पुलिंग बोल देते हैं तो आप बोलते हैं पुल्ड पुल्ड पोर्क टैकोस, पुल्ड मीट, पुल्ड ये, पुल्ड वो, है तो नोचना ही। हिंदी में बोल दिया अरे मीट नोच लेना भाई थोड़ा, तो आपको बुरा लग गया। धीरे धीरे अगर गर्म लग रहा है थोड़ी देर फ्रिज दिखा दीजिए उसको, लेकिन क्या ज़्यादा ठंडा होके ना उतनी जल्दी निकलता नहीं है। वार्म वार्म में निकाल लेंगे तो मीट तुरंत निकल जाता है, हड्डी को तुरंत छोड़ देता है मीट, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ हड्डियाँ हड्डियाँ मिली हैं उसमें मीट है ही नहीं, तो एक दो जैसे चिकन के लेग पीस वगैरह डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ये लेके बैठा हुआ था कि अगर कुछ नहीं होगा तो वो डाल दूंगा। तो भाई अब दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा, इधर बन रहा है चाइनीज स्टाइल, उधर बन रहा है देसी स्टाइल। दोनों में गया ऑयल, वही चाइनीज स्टाइल में अदरक और सब्जी, और इंडियन स्टाइल में एक छोटी इलायची, जीरा, अगर शाही जीरा है तो शाही जीरा, प्याज ढेर सारा, और हरी मिर्च। और इंडियन स्टाइल में गया थोड़ा बटर, घी भी डाल सकते हैं, मुझे बटर अच्छा लगता है। और चाइनीज स्टाइल में गया थोड़ा कॉर्न। बेसिकली क्या करना है, चाइनीज वाला जो सूप है उसको सिर्फ स्टर फ्राई करना है, मतलब डालना है और टॉस कर लेना है। लेकिन जो इंडियन वाला सूप है उसमें प्याज को थोड़ा भूनना है, थोड़ा लाइट ब्राउन करना है। मकसद ये है कि जो इंडियन शोरबा है उसमें अपने मसाले, हल्का सा तला हुआ प्याज, उसकी खुशबू आए, और जो चाइनीज सूप है उसमें एक फ्लेवर्स की क्लैरिटी आए। हाँ, दोनों अलग अलग स्टाइल हैं, इसीलिए मैं आपको दोनों
दिखा रहा हूँ ताकि इसके बाद चिकन सूप में आपकी मास्टरी हो जाए भाई। अभी चाइनीज सूप में गया स्टॉक और इंडियन सूप का प्याज अभी भी भुन रहा है, देखिए एकदम बटर में लवालब हो रहा है प्याज। अब इंडियन सूप के अंदर गई थोड़ी हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और भुनाई जो है वो जारी रहनी चाहिए भाई और बहन। जैसे ही हल्दी हल्की सी भुनी वैसे ही चिकन स्टॉक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जब हमारे इंडियन शोरबे के लिए प्याज भून रहे होते हैं ना, तो फिर दही साथ में डाल के भून देते हैं, उससे क्या हल्का सा गाढ़ा बना जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा जो शोरबा है उसकी खूबी यही है कि वो पतला और कंफर्टेबल होता है। बाकी वो फ्रेंच सूप, चाइनीज सूप गाढ़े तो होते हैं ऑलरेडी। एक काम करते हैं, थोड़ा सूप की कहानी समझ लें, फिर शोरबे की सूप की कहानी समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि हिंदुस्तान में सूप इतने पॉपुलर क्यों नहीं है और शोरबे का एक्चुअल मकसद क्या है। सूप और शोरबे में जो सबसे बड़ा फर्क यह है कि शोरबा जो है वो पानी जैसा अक्स होता है, एसेंस होता है। शोरबा कभी गाढ़ा या थिक नहीं होता, सूप जो है वो थिक होता है। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि शोरबा जो शब्द है वो शुरू से आता है और शुरू में पिया जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। शोरबा जो शब्द है वो शुरुआ से आता है, जो एक अरबिक शब्द है, लेकिन शोरबा कभी भी कहीं पर भी पिया जा सकता है पानी की तरह। और चाहे आप बिरयानी के साथ में शोरबा ले सकते हैं, डिज़र्ट से पहले कभी भी आप शोरबा ले सकते हैं, राइट। और शोरबा ये कहा जाता है कि विंटर्स में शरीर को दवाई और स्पाइसेस की खूबियां पहुंचाने का एक तरीका था। सूप जो है वो वार्मिंग होता है, फिलिंग होता है। शोरबा जो है उसका मकसद हीलिंग होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, और इसलिए हर सूप जो है वो शोरबा नहीं हो सकता, लेकिन हर शोरबा जो है वो सूप होता है। नमक, अब जो चिकन जो है हमने नोच के रेडी किया हुआ है, देखिए ये चिकन आधा यहां और आधा यहां आ रहा है ना, ऑलरेडी बढ़िया से एकदम चिकन सूप का फील। और ये एक मेरी ट्रेडमार्क ट्रिक है, सीक्रेट। पहले तो धनिया की डंडी जाएगी शोरबे में, फिर फ्रेशली चॉप करी हुई अदरक जाएगी चाइनीज सूप में। चलो जी, हो गया रेडी मामला, ठीक है। अब करते हैं फिनिशिंग की तैयारी। चाइनीज सूप में सबसे पहले हम डालेंगे एग ड्रॉप। हमको बड़ा अच्छा लगता है ना एग ड्रॉप, जब हम चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं कि यार ये अंडा कैसे तैर रहा है सूप के ऊपर, ऐसे तैरता है, देख लीजिए। अंडा लिया, अंडे को फेंट लिया, उसके अंदर डाला थोड़ा पानी, और अंडे को रख दिया साइड। इसके बाद पहले स्लरी से सूप को गाढ़ा कर लेते हैं। स्लरी मतलब अरारूट या कॉर्नस्टार्च जो हमने पानी में घोला हुआ है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्यों? क्योंकि अंडे से भी गाढ़ा होगा ना फिर, है? इसलिए स्लरी से ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अब एग ड्रॉप। एग ड्रॉप कैसे करते हैं, कोई भी लेडल ले लीजिए या कांटा ले लीजिए, फोर्क ले लीजिए, और एक हाथ में लेडल और एक हाथ में सूप, और धीरे धीरे गिराइए और चलाते रहिए। देखिए बेसिकली एग ड्रॉप उतना अच्छा उतना पतला आएगा जितना ऊपर से गिरेगा। अगर आप नीचे से गिरा देंगे तो आप बनाने जाएंगे एग ड्रॉप, बन जाएगा आमलेट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए ऊपर से गिराना है, है? अगर बारिश हो या ठंड हो और एक बोली वाला सूप मिल जाए तो मजा ना आए पैसा वापस वाला सीन है कि नहीं। अब इसकी मोनोपोली क्या है, तो पुल्ड चिकन और प्याज का मिश्रण है।
तो इसलिए दोनों बोल में अच्छे से बगैर कंजूसी के डालिएगा। अब बताइए, हैं? हो गए ना? एक बांसुरी से दो भैंसों को नचा दिया हमने। देखिए, एक ये हिंदुस्तानी भैंस और एक ये चाइनीज भैंस, और बांसुरी क्या? चिकन सूप। एक बांसुरी से दो भैंसों को नचा दिया हमने। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा। सब्सक्राइब सब्सक्राइब का मैंने बोला नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ना, प्लीज करवा भी दीजिए ना अगर किया हुआ। और वो कमेंट का नहीं बोला, कमेंट भी कर देना प्लीज, प्लीज वो करवा भी दीजिए अगर किया हुआ, और लाइक का भी लाइक कर दीजिएगा। ओ मेन काम तो बता नहीं, बनाइएगा जरूर, बना भी लीजिएगा। मतलब अगर आपने अपना मॉनसून अपनी सर्दियां ऐसे सूख के बगैर निकाल दी, कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है।